दिन नई शुरुआत नई कहानी और नया वाला सीख। वेलकम टू माय एंड योर चैनल लाडाहोलिक ब्लॉग्स। आज का वीडियो जो है बहुत शॉर्ट, बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट एंड सिंपल है। एक सिंपल टेक्निक है, 2-3 क्लिक्स का प्रोसेस है। समझो आपका जो फेस का टोन है, अगर आप वाइट बैलेंस सेट कर लिए और आपको फेस का टोन करेक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए मेरे पास एक टेक्निक है। हर टाइप के जो फेस टोन्स रहते हैं, डार्क, फेयर या मिड, इंडियन वेरिएंट समझो, कुछ भी हो, हर एक फेस टोन के लिए ये अप्लीकेबल है। बस थोड़े बहुत एक मिनट का ही काम है। बस एक कर्व है, उसको सीधा करना है। पहले ही पॉइंट दिया गया है। सीधा वीडियो पे जंप करते हैं, फिर वीडियो पे मतलब लैपटॉप में शिफ्ट करते हैं। और एक बात, मैं फाइनल कट प्रो पे आपको ये बता रहा हूँ, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हो। हर एक सॉफ्टवेयर में मोस्टली कलर पैलेट सेम रहते हैं, कलर पैनल्स सेम रहते हैं। तो आपको फाइनल कट प्रो में बताऊंगा मैं। लेट्स जंप इनटू फाइनल कट प्रो। ओके चलो फिर। तो बाबा लोग ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट खोल के रख दिया है, तो एक सेकंड, सॉरी। तो ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट खोल के रख दिया। मेरा लास्ट वाला वीडियो ये है जो सिनेमैटिक लाइटनिंग आता है यार बार बार मुंह में, क्या है लाइटनिंग, ऐसा कौन सा जिंदगी में कड़क रहा है पता नहीं। पर सिनेमैटिक लाइटिंग जो वीडियो था मेरा, वही वाला वीडियो का एक शॉट लिया हूँ, एक फ्रेम है, तो उसी को आपको कलर बैलेंस करके बताऊंगा मैं। कलर बैलेंस नहीं, फेस टोन ठीक करके बताऊंगा। तो ये देखो, ये मेरा प्रोजेक्ट लोडेड है। तो ये ऐसा कुछ ग्लीच सा दिख रहा है, ये जो आप देख सकते हो, कुछ आपको देख के ही पता चल जाएगा। थोड़ा येलोइश टोन्स ज़्यादा हैं, हाइलाइट्स में ज़्यादा है, पूरा वीडियो ही हिला डुला सा है। तो ये है डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस। अभी डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस को जो है आपको बताता हूँ कलर चेंज कैसे करते हैं। पहले तो आप इधर जाइए, आपको वीडियो इंस्पेक्टर मिलेगा, तो ये सेकंड वाला क्लिक करेंगे तो कलर आ जाएगा, कलर पैनल। कलर व्हील्स आप क्लिक करोगे तो कलर व्हील्स ऐड हो जाएगा, ऑलरेडी मेरा एडेड है। इसके बाद क्या करना है आपको, इधर टॉप लेयर पे विंडो में जाइए, वर्क स्पेसेस, कलर एंड इफेक्ट्स। कलर एंड इफेक्ट्स खोलेंगे तो कलर इफेक्ट्स में मेरे सॉफ्टवेयर में डिफ़ॉल्ट वाला ये है, लूमा वेवफॉर्म, आरजीबी ओवरले, वेक्टरस्कोप और वेवफॉर्म। आपको इसमें मेन क्या चाहिए, वेक्टरस्कोप एक ही चाहिए, वेक्टरस्कोप और एक सॉरी वेवफॉर्म भी चाहिए। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप व्यू पे क्लिक कीजिए और ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, तो ये आ जाएगा, वेक्टरस्कोप आया, लूमा वेवफॉर्म आ गया। जो आपका वीडियो क्लिप है उसको सेलेक्ट करो, फिर क्रॉप ऑप्शन में जाइए, मैं फोरहेड चूज करता हूँ, तो फोरहेड पे इसको सेट कर देते हैं। तो जिस हिसाब से आप देख सकते हो, इधर बहुत सारा चीज़ जो है गायब हो चुका है, क्योंकि वो जो सेलेक्टेड है वही वाला पार्ट बता रहा है। तो आपका एक्सपोजर अगर ठीक है तो कैसे चेक करना है आपको, तो स्टार्टिंग 20 से लेके 75 तक कहीं भी अगर आपका ये वेवफॉर्म ले कर रहा है तो आपका एक्सपोजर बिल्कुल करेक्ट है, नो वरीज, डोंट टेक टेंशन। और ये जो वेक्टरस्कोप है आपको कलर्स बताएगा। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये फेस टोन का लाइन है, फेशियल टोन का लाइन है। ये लाइन पे ये आपको कलर का जो वेवफॉर्म दिख रहा है ना, तो इसको इस पे लाके मैच करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्लिप को सेलेक्ट करो और आप कलर व्हील्स में जाओ, और ये जो हाइलाइट्स है ना, हाइलाइट्स को आप पहले तो सेंटर में ले लो, सेंटर में ले लो, और राइट या लेफ्ट आप जिस हिसाब से वो करेक्ट अलाइन हो रहा है वैसा आप कर दो। ये अभी मुझे परफेक्ट लग रहा है, ये देखो पूरा अलाइंड है, बीच में ही लग रहा है, तो आपका बीच में लग रहा है। आपको देखना कैसा है, कुछ नहीं, इधर जाओ, रीसेट मार दो, डन दबा दो, और जो है नॉर्मल इस पे आ जाओ। तो देखो कितना चेंज हो गया, आपको बिफोर और आफ्टर बताता हूँ। ये देखो बिफोर और आफ्टर, बिफोर आफ्टर, देखो कितना आसान है फेशियल टोन को अपने आप ठीक करने का। अपने आप मतलब हम ही ठीक करेंगे, फिर भी बहुत ज़्यादा ही आसान है। ये फाइनल कट प्रो है, प्रीमियर प्रो में भी सेम प्रोसीजर है, बस ऑप्शंस थोड़े इधर उधर रहते हैं इसलिए कन्फ्यूज़ हो जाता है। आप लोग एक बार वीडियो देख लोगे यूट्यूब में प्रीमियर प्रो के लिए कलरिंग कैसे करने का, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। क्या बंद हुआ,
कोई तो लाइट बंद हुआ। अच्छा वो वाला बंद हो गया, बैटरी खत्म हो गया साहबजादे का, चार्ज पे लगाना भूल गया था। कोई नहीं, होते रहता है जिंदगी में बहुत कुछ, ऐसे कलाकारी कांड होते रहते हैं, वो सब छोड़ो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि बोला था आपको शॉर्ट है वीडियो तो शॉर्ट ही रहने का, बोल के बाद में मुकर नहीं जाने का। तो मिलते हैं बाबा अगले हफ्ते, आपको और एक दो हफ्ता तो इंतज़ार करना पड़ेगा मोटो ब्लॉग स्टार्ट होने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ इन पीस, पीस आउट, हरर महादेव।